भूपेश बघेल ने रेल यात्रियों और रेल के परिचालन को लेकर छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को रेल यात्रा करना कितना कठिन हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 9 सांसद होने के बावजूद यहां पर रेल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी तक तो लगभग 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी है और यात्री बहुत परेशान है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन कब आएगी स्टेशन पे, कौन स्टेशन पे आएगी इसका भी पता नहीं, और कब छूटेगी इसका भी पता नहीं। पहले तो टिकट में लिखा जाता था इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे छूटेगी, लेकिन अब वो भी लिखना बंद कर दिए। आप कुछ सूचना लेना चाहें तो वो नहीं मिलता, और ट्रेनें इतना विलंब से आ रहा है जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसको बार बार कहने के बाद भी अब अरुण साहु जी बिलासपुर के सांसद हैं, नाना उनके सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में उसकी सरकार है, एक ट्रेन तो बराबर चल नहीं रहा है, और उसके कारण से यात्रियों को या तो दूसरे वाहनों से जाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, ये टैक्सी करें तो महंगा पड़ेगा, हवाई जहाज से जाए वो महंगा पड़ेगा, और कोई व्यक्ति मान लो बिलासपुर या रायगढ़ से या अंबिकापुर से निकले कि रायपुर में मुझे जाकर फ्लाइट पकड़ना, तो ट्रेन के कारण से वो नहीं हो पाता। ट्रेन का भरोसा करे तो फ्लाइट ही चूक जाएगी। तो आज जो ट्रेन रद्द हो रहे हैं और ट्रेन विलंब से चल रहा है, उसके कारण से आम जनता की जेब में भारी बोझ पड़ रहा है।